हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियो है। इसमें मैं आज आपको मलाई से किस तरीके से घर में घी निकालते हैं वो तरीका बताऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हमने दूध पर जो मलाई आती है वो ली है। मैंने ये 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी कर ली थी, उसको मैंने फ्रीज में स्टोर करा था, और उसके बाद हमें इसका घी निकालना है। तो एक मैंने ऊंची हाइट का बर्तन लिया है, जैसे जग, उसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाली। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा उसमें हाफ कप के करीब पानी डाला, और हमें फिर उसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको चलाना है, ब्लेंड करना है, और बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जो हमारे घर में मिक्सी तो सभी के घर में होती है, मिक्सी जार होता है जो सबसे बड़े वाला जार जिसमें हम जूस और शेक निकालते हैं, वो वाला जार आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। अगर आपके घर में ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है। तो इसमें हमें बीच बीच में, जैसे फ्रेंड्स अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में हमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर इसमें ऐड करना है, उससे हमारा जो घी मलाई में से घी है वो बहुत जल्दी से आ जाता है। और इसकी पहचान कैसे होती है कि जब हमारे, देखिए अभी हमारे इसमें थोड़ा थोड़ा सा बटर आना स्टार्ट हो गया है, अभी थोड़ी देर में ही इसमें बटर इकट्ठा हो जाएगा। जब हमारा ब्लेंडर चलना बंद हो जाए और इकट्ठा हो जाए, पानी अलग हो जाए और बटर एक साथ हो जाए, तो समझिए कि हमारा बटर आ गया। देखिए इस तरीके से हमारा ये बटर बन गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी जिस बर्तन में भी हमें ये बटर निकालना है, घी बनाना है, वो थोड़ा सा हैवी तली का होना चाहिए। ये मैंने थोड़ी हैवी तली का मेरा पैन है, सॉस पैन, उसमें निकाला है। अभी इसको मैं सारा अपना बटर इस पैन में निकाल के बाकी की सारी मलाई भी इसी प्रोसेस से करूँगी। अभी मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और ये थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, जब हमारा बटर पिघलना स्टार्ट होगा तो इस टाइप से इसमें ऊपर को उफान आएगा, उबाल जिसको बोलते हैं, वो आएगा। तो उसको हमें 10-15 मिनट के लिए अच्छे से धीमी आंच पे बॉईल करना है, और उसके बाद हमारा घी निकल आएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये घी बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि देखिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।